नमस्कार, मैं हूं निशा गई, आप पाम स्टोन न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर, और आज मैं आपको बताने जा रही हूं अक्षय तृतीया के महत्व। अक्षय तृतीया जो है वो पड़ रही है 7 मई मंगलवार को। अक्षय तृतीया का बहुत महत्व माना जाता है। वैशाख मास की तृतीया तारीख को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। कहते हैं कि इस दिन विष्णु के 3 अवतार हुए थे। बहुत सारे लोग इसे परशुराम जयंती के रूप में भी मनाते हैं। अक्षय तृतीया में सोने को खरीदने का विधान है, लेकिन अगर इस दिन कोई भी किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य किया जाए वह शुभ माना जाता है। अक्षय का मतलब है कभी ना नष्ट होने वाला, तो इस दिन अगर आप कोई भी कार्य करेंगे वह शुभ होगा। इस दिन दान की बहुत ही महत्ता है। दान करने से बहुत सारी खुशियां आपके घर में आती हैं। पूजा करने की विधि जो है इसकी बहुत आसान है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अक्षय तृतीया तिथि जो है वह शुरू हो रही है 7 मई रात 12:47 से, दैट मीन्स 0 hours 47 minutes रात के, और पूजा करने का जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह 6:40 से दोपहर 12:26 तक का है। क्योंकि इस दिन सोने के आभूषण खरीदने का एक प्रख्यात हो चुका है, सोने के आभूषण खरीदने, तो सोने के आभूषण खरीदने का मुख्य मुहूर्त जो है वह है सवेरे 6:45 से रात के 11:47 तक, यानी कि 23 hours 47 minutes रात तक आप सोने की खरीदारी कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन कैसे पूजा की जाए, बहुत आसान है। जिस प्रकार से आप दिवाली का पूजन करते हैं, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं धूप दीप से, उसी प्रकार से आपने अक्षय तृतीया वाले दिन पूजन करना है। अब इस दिन हम क्या करें जो हमारी सारी विपत्तियाँ, सारे कार्य जो हैं वह सब संपन्न हो जाएं, ये बहुत ज़रूरी बात है। तो आप इस दिन क्या करें, बहुत आसान से आपको 4-5 उपाय मैं बताऊंगी, जो आप करेंगे तो आपके सारे आर्थिक कष्ट जितने भी हैं, रुका हुआ जो धन है, वह सब आपको वापस मिलना शुरू हो जाएगा। क्या करना है, आपने चांदी खरीद के लानी है। अक्षय तृतीया के दिन चांदी खरीदने का विधान है। चांदी की लक्ष्मी की चरण पादुकाएं खरीद के लाएं और उसकी रोली टीके और हल्दी से आप उसकी उपासना करें, पूजा करें। किसी प्रकार से आपको लगता है कि आपके पितृ आपसे अप्रसन्न हैं, तो पितरों की प्रसन्नता या कृपा पाने के लिए आप दान दें। जल का दान बहुत महत्वपूर्ण है, कलश, पंखा, खड़ाऊं, छाता, सूत, ककड़ी, गौ, तिल, नमक, शहद आदि का अगर आप दान करते हैं, स्वर्ण और चांदी के दान का भी विधान है, खरबूजा या तरबूज का दान भी आप कर सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों का दान करेंगे तो आपके जो जीवन में चले आ रहे पुराने कष्ट हैं वह सब दूर हो जाएंगे। और कन्या को दान करने का विशेष महत्व माना जाता है इस दिन। और आपने क्या करना है, माथे पर केसर का तिलक लगाना है। माथे पर अगर आप रोज़ केसर या हल्दी का तिलक लगाते हैं तो आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती, आपको कभी आर्थिक कष्ट नहीं होते। माँ लक्ष्मी के चरणों में अक्षय तृतीया के दिन अगर आप एकाक्षी नारियल रखते हैं तो आपके जितना रुका हुआ धन है, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं मेरा धन रुक गया है, मेरी पेमेंट्स रुक गई हैं, आप इस दिन नारियल माँ लक्ष्मी के चरणों में रखें, आप देखिए आपके घर में धन का आगमन होता जाएगा। कौड़ियों का धन के विषय में बहुत बड़ा महत्व माना जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय कौड़ियाँ प्राप्त हुई थी और ये माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं,
तो आपने क्या करना है, 11 कौड़ियाँ खरीदनी है, इन्हें लाल कपड़े में बांधना है और इसका माँ लक्ष्मी के चरणों में अक्षय तृतीया के दिन अर्पण करके पूजा कीजिए और आप देखिए कि आपके किस प्रकार से आपके घर में समृद्धि आती है, आपकी तिजोरी भर जाती है। आप चाहें तो इसे तिजोरी या लॉकर में भी रख सकते हैं या ऑफिस के लॉकर में भी रख सकते हैं, जहाँ पे भी आप रखेंगे तो आपके जितनी भी रुकी हुई संपत्ति है या संपत्ति से विवादित कोई केस चल रहा है, ज़मीन जायदाद का कोई केस चल रहा है या किसी प्रकार का आपके ऊपर आर्थिक कष्ट आया हुआ है, आप देखेंगे कि वे सारे कष्ट धीरे धीरे दूर हो जाएं। तो इस अक्षय तृतीया इन उपायों को ज़रूर कीजिए। चांदी की चरण पादुकाएँ लक्ष्मी के लाइए, लक्ष्मी माँ की उपासना कीजिए और कोई भी मांगलिक कार्य संपन्न कीजिए। आप देखिए कि किस तरह से संपन्नता आपके घर में प्रवेश करती है। नमस्कार।